नमस्कार, मैं नेहा टंडन स्वागत करती हूँ आपका रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ में। आज हमारे कॉलेज में अनुशासन परिषद का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। ये अनुशासन परिषद पूरे साल कार्य करती है, कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन करती है, शिक्षा का माहौल बनाए रखती है, और ये सब करने के लिए हमारे कॉलेज में हर साल अनुशासन परिषद का गठन किया जाता है, जिसके तहत चीफ प्रॉक्टर बनाए जाते हैं, प्रॉक्टर्स बनाए जाते हैं और प्रीफेक्स के बैचेस प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष जो अनुशासन परिषद का गठन किया जा रहा है, उनके अध्यक्ष हैं चीफ प्रॉक्टर मैम प्रोफेसर नीलम सिंह मैम। उनके अंडर में 4 असिस्टेंट चीफ प्रॉक्टर को बैचेस दिए जाएंगे। साथ ही कॉलेज के विभिन्न विभागों से 27 शिक्षिकाएं हैं जिन्हें प्रॉक्टर्स के बैचेस प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को कॉलेज की सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो कॉलेज की छात्राएं हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं हमारी, उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है और लगभग 250 छात्राओं को यहां पर प्रीफेक्स के बैचेस दिए जाएंगे। जो छात्राएं समय समय पर अलग अलग जगह पर ड्यूटी करेंगी, कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करेंगी अपनी चीफ प्रॉक्टर मैम के साथ मिलकर और प्रॉक्टर मैम के साथ मिलकर। तो अनुशासन परिषद का जो कार्य है ये पूरे वर्ष चलता रहता है और कॉलेज की गरिमा को बनाए रखने में, कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाए रखने में और कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने में अनुशासन परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवस्था में आएंगे तो उस समय के अपने जब कोई सहेली आपको मिलेगी कहीं
कि मैं यहाँ कार्यरत हूँ, मैं यहाँ कार्यरत हूँ, तो आप अपने ग्रुप फोटो निकालेंगे और देखेंगे अच्छा वो तुम थी ये, तो वो सारी इतनी स्वीट मेमोरीज होती हैं हमारी जिनको हम जीवन भर सहेज के रखते हैं। ग्रुप फोटो में आपका बहुत छोटा सा फेस होगा, इतने सारे लोग हैं, लेकिन बहुत अमूल्य यादें होती हैं ये, साथ में काम करने की एक कल्चर डेवलप होती है, किस तरह से एक टीम वर्क बन करके हम लोग कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ आप एक प्रशासनिक एंटरप्रेन्योरशिप भी ले रहे हैं कॉलेज में। जितने भी बच्चे विभिन्न समितियों में, अनुशासन परिषद में, DSW के साथ मिलकर के काम करते हैं, वो आप समझिए ये 5 साल आप इस कॉलेज में रहे, 7 साल रहे या 3 साल रहे, तो आपका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल फेस पूरे कार्यकाल में चलता है, जिससे आप दूसरों को अनुशासित कैसे करवाया जाता है, खुद अनुशासित कैसे रहा जाता है, कामों को कैसे किया जाता है, टीचर से कैसे सामंजस्य बिठाना है, और महाविद्यालय की गरिमा को बनाए रखने में कैसे आपको सहयोग करना है। इसके साथ साथ ये चीजें ना केवल महाविद्यालय के जरूरी है, बल्कि आपके डेवलपमेंट, आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न जाने कितने ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। आप में से ही एक NCC कैंडिडेट भी रही है, और इस समय पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको मनोनीत किया गया था G20 का एम्बेसडर तुलिका रानी, जिसका लेक्चर भी आपने सुना होगा। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमारे पास हैं, कितने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हमारे महाविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, राज्यपाल हमारे महाविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, विधानसभा के स्पीकर प्रोडक्ट हैं, और उससे नीचे की श्रेणी में तो बहुत सारे हैं। तो मैं चाहूंगी जो बच्चे इस तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, वो उज्ज्वल भविष्य में जाकर के कहीं भी अपने महाविद्यालय के साथ साथ अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। आप महाविद्यालय में 4 या 5 घंटे रहते हैं, 4 या 5 घंटे और 24 आवर दिन में होते हैं, 24 आवर में से 8 घंटे निकाल दीजिए आपके सोने के, 2 दिनचर्या के, 4 कॉलेज के, बाकी कितना समय बचता है वो आपके अपने पेरेंट्स के साथ गुजारिए, अपने मित्रों में भी समय गुजारिए, लेकिन वो 4 घंटे में ही गुजारिए जितना आप महाविद्यालय में है। 5 घंटे रुकते हैं तो 1 घंटा लाइब्रेरी को जरूर दीजिए। ये मेरी आपसे इसलिए गुजारिश है और इसलिए मैं ये चाहती हूँ ताकि आपको किताबों के साथ मित्रता करने का भी अवसर मिले। सब कुछ आपको गूगल पे नहीं मिल सकता, इसीलिए आप प्रतिदिन अपना 1/2 घंटा या 2 दिन में 1 घंटा या 3 दिन में 1 घंटा लाइब्रेरी में जरूर जाएं। और जो बच्चे लाइब्रेरी के हमारे इन्फ्लिपनेट और डलनेट को खोलना सीख चुके हैं, ट्रेनिंग पा चुके हैं, वो अपने मोबाइल पर भी इसको घर पे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञान का अनेक भंडार है, अनेक सोर्सेज हैं, लेकिन फेस टू फेस और जो ऑफलाइन ज्ञान से आप एक्सपीरियंस लेते हो, अनुभव भी लेते हो, वो आपके जीवन में मील का पत्थर बन जाता है कभी कभी, और हमेशा तो वो आपके काम आता ही आता है। आपके सर्टिफिकेट्स आप बाद में कलेक्ट करेंगे, अभी उनमें थोड़ा सा तैयार होने में समय है। मैं बस अनाउंस कर देती हूँ, बच्चे अपनी जगह पर खड़े होंगे और सब बच्चे उनके लिए क्लैप करेंगे। अनिका लॉयल, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, BA फर्स्ट सेमेस्टर। बच्चे आप लोग जितने भी हैं यहाँ आ जाइए आगे। अभी मैंने नाम बोला था सारा समर, और सेकंड प्राइज है अनिका लॉयल, अगेन सेकंड प्राइज है येशु पवार, BA फोर्थ सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस अगेन। थर्ड प्राइज गोज टू निशु शर्मा, MSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी, वेरी गुड। थर्ड प्राइज अगेन ताजिम, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MCom फर्स्ट सेमेस्टर। कॉन्सोलेशन इसीलिए हमें ज्यादा रखने पड़े क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा था साधना। स्वाति, MA फर्स्ट सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। महविश, कॉन्सोलेशन अगेन। निक्की, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, 4th-5th सेमेस्टर। अगेन शिवांगी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, BSc फर्स्ट सेमेस्टर।